you are fine and studying well. Today we will start our 12th unit, some basic concepts of organic chemistry. And today's topics are general introductions, tetravalency of carbon, structure of methane, ethane, ethyne and ethene. Let's start. हम पढ़ रहे हैं organic chemistry. तो organic chemistry का ही पता होना चाहिए पहले तो कि organic chemistry क्या है. ठीक है, तो देखिए पहले तो आपको पता है कि ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है. इट इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्लियर? Now, what are organic compounds? Carbon containing compounds are the organic compounds. Carbon containing compounds. मतलब क्या हुआ? In which main constituent particle is carbon. ठीक है? Other elements भी हो सकते हैं, जैसे कि hydrogen है, ठीक है? Sodium है, phosphorus है, nitrogen है, ऑक्सीजन है, हेलोजन्स है, कुछ भी मतलब हो सकते हैं. लेकिन जो मेन बोन जो हमारी होती है, जैसे कि हमारी रीढ़ की बोन होती है, वो कार्बन रहेगी. इसमें मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है दैट इज कार्बन. देन द कंपाउंड्स आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ ए केमिस्ट्री. इज इट क्लियर? नाउ अब हमने बोला कि ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कार्बन के बारे में कि कार्बन जो है उसका नेचर क्या है, क्या उसकी वैलेंसी है. ठीक है, तो कार्बन का सिंबल होता है C. ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, मास नंबर होता है 12. ठीक है, इसका मतलब हो गया इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, 6. नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6. ठीक है, नाउ कार्बन जो है आपको पता है किसमें आता है, अभी पी ब्लॉक एलिमेंट में देखो स्टार्ट होता है 13 ग्रुप से बोरॉन फैमिली, फिर आती है कार्बन फैमिली, यानी 14th ग्रुप है ये. 14th ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है कार्बन, इसीलिए उसके ग्रुप को बोलते हैं हम 14th ग्रुप को कार्बन फैमिली. इज इट क्लियर? यहां तक हो गया. अब देखो कार्बन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखें तो इसमें आप देखे हो कि 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या होगी भाई, 1s2 2s2 एंड 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन है यही रहेगी. तो इसकी आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें कितने, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इज इट क्लियर? अब आपको ये पता है कि जो कोई भी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, तब उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वही पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, क्लियर? तो यानी कि ये वाले इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे. तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है. ये क्लियर हो रहा है अभी? ठीक है, तो हम फिर से देखें. देखो कार्बन 6 है, 1s2 2s2 और 2p2. अगर हम इसकी ग्राउंड स्टेट बनाते हैं तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए हम आउटर मोस्ट की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं. ठीक है, ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट. ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p2, तो इस तरह से फिल होंगे. ठीक है, अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे, वैसे क्या होता है कि नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उसमें इतनी एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है और कार्बन एक्साइटेड स्टेट में ही प्रेजेंट होता है. ये इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ एक्साइट हो जाएगा, इसके पास एक्साइट हो जाएगा, 2p में चला जाएगा. तो सबके पास देखो 1-1 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, सिमेट्री आ गई है, सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी. ठीक है, तो यही होगा. तो ये क्या होता है कि यहां पर जैसे कि मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बताया था फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट के अंदर,
कि यहाँ पर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि इससे क्या आते हैं, सब में इक्वेलेंसी आती है, सब जो है सिमेट्रिकल हो जाते हैं, और सिमेट्री जो है हमेशा क्या लीड्स करती है, स्टेबिलिटी। और हर एक एलिमेंट कंपाउंड कुछ भी है वो क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या थे, टू इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, एक में एक ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी था, और ये तीनों आपको पता है कि इक्विवेलेंट एनर्जी के है, सेम एनर्जी है। ठीक है, अब इनमें लड़ाई झगड़ा होगा, अभी मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। तो ये वाला जो बेचारा क्या करेगा कि मेरे पास तो दो इलेक्ट्रॉन है, चलो आप एक ले लो और हम सारे इक्वल इक्वल हो जाएंगे, तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो ये हो गई इसकी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब क्या होता है, इस वजह से इसको ये क्या है, फोर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, इस वजह से इसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंस। कार्बन की वैलेंसी क्या है, टेट्रावैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो ये क्या करते हैं, आगे जाके जब भी कोई अदर एलिमेंट आता है, कोई कंपाउंड बनाना है, तो आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए, हमने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी कर लिया था ना। तो यहाँ पर एस ऑर्बिटल आपको पता है स्फेरिकल इन शेप होते हैं, और पी ऑर्बिटल इस तरह के डंबल शेप होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। फिर ये आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अभी तो इसकी एनर्जी अलग है और इन तीनों की एनर्जी अलग है, लेकिन बाद में ये वन एस जो है, टू एस का वन ऑर्बिटल और टू पी के थ्री ऑर्बिटल जो है आपस में क्या हो जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, और इक्वल एनर्जी के फोर जो है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनकी एनर्जी इक्वल होगी और उनकी शेप भी सिमेट्रिकल होगी। ठीक है, तो इस तरह की शेप के जो है ये बना लेते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, सारे इस तरह के बनेंगे, इनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होती है, कोई कंपाउंड का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है, सॉरी कंपाउंड जिसमें एक कार्बन प्रेजेंट होता है, CH4। ठीक है, मीथेन, क्या है ये, मीथेन। अब देखो ये कैसे बना, इसमें क्या है, एक कार्बन है, उसके साथ क्या है, फोर हाइड्रोजन जो है वो अटैच है। ठीक है, अब क्या होगा, देखो ये इसकी एसिडिक स्टेट है। अब हाइड्रोजन की कॉन्फिगरेशन आपको पता है 1s1 होती है, यानी कि हर एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक हाइड्रोजन जो है इनके साथ क्या कर लेगा, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा अपने इलेक्ट्रॉन की, और क्या बना लेगा, कोवलेंट बॉन्ड। देखो कार्बन जो है और हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाएंगे आपस में, एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का, और एक किसका है, हाइड्रोजन का, इसलिए इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1s2 बन जाएगा। अब यहां पर कार्बन जो है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको हम टेट्रावेलेंट भी बोलते हैं ना। तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए क्या करेगा, ये 4 हाइड्रोजन के साथ इस तरह से कंट्रीब्यूट करेगा और कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा 4, और मीथेन बन जाएगा। क्लियर हो? तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एक एस का इन्वॉल्व है और पी के कितने हैं, 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो इसकी शेप और ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल। तो बनाएंगे कैसे, देखो कार्बन है, टेट्राहेड्रल, इस तरह से सारे स्ट्रक्चर आपको याद है, हमने फोर्थ यूनिट में कर लिए थे, इस तरह से ये चारों हाइड्रोजन। तो ये तो हो गया सिर्फ लाइन स्ट्रक्चर, अब हम इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को। ठीक है, इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। ठीक है, ये देखिए एक बड़ा लो और एक हमने क्या बनाना है, छोटा लो, इस तरह से एक बड़ा लो और एक छोटा लो। ठीक है, इस तरह से हो गया टेट्राहेड्रल, और ये हाइड्रोजन जो है वो उनकी क्या है, स्फेरिकल इन शेप है,
ये हाइड्रोजन हो गए, ठीक है, और यहाँ क्या है, ये कार्बन के चार हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये ओवरलैप कर जाएंगे, क्योंकि जब भी क्या है कोवलेंट बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग होती है अलोना इंटरन्यूक्लियर एक्सेस, तो इस तरह से ये क्या है आपस में ओवरलैप कर गए हैं, इससे इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयर कर लेंगे, क्लियर। तो ये हो गया मिथेन का स्ट्रक्चर, क्लियर, ठीक है, आप इसको नोट कर लें। इसी तरह हम इथेन का देखेंगे, इथेन क्या होता है, दो कार्बन का कंपाउंड है, C2H6 फॉर्मूला होगा इसका, एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, ठीक है, और एक कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड आएगा इस तरह से, ठीक है। अब देखो इसकी टेट्रावेलेंसी कंप्लीट होगी ना, 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड और एक ये 1-4 बॉन्ड, ऐसे ही दूसरे कार्बन के होगी, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे देखेंगे, कार्बन के हम सीधा एक्साइटेड स्टेट बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये कार्बन नंबर 1 दे देती हूँ मैं, इसको 1 बोल देती हूँ, इसको 2 बोल देती हूँ, ठीक है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन ऐसे ही हमने बना लेना है, इसकी भी ये एक्साइटेड स्टेट होगी, ठीक है। अब एक कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, तो कार्बन कार्बन के साथ हमने ये बॉन्ड दिखा दिया इसका, और ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के हो गए और ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो दोनों की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या रह रही है, sp3 ही रह रही है, ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन, तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल ही होगी, टेट्राहेड्रल, तो इसका मतलब ये टेट्राहेड्रल है, क्लियर। तो टेट्राहेड्रल अगर हम बनाएंगे तो इस कार्बन को, जैसे कि ये कार्बन है, इसका टेट्राहेड्रल वैसे ही बना लेंगे, ठीक है, बस इस वे में बनाएंगे, ये टेट्राहेड्रल हो गया इस तरह से, आप देखो इस वे में, और ये दूसरा कार्बन है इसके भी इस तरह से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और ये 3 क्या है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं इस तरह से। तो ये तो हो गया इसका लाइन स्ट्रक्चर, क्लियर हो रहा है अभी। अब इसका अगर हम हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डॉट लगा के ये कार्बन हो गया, ठीक है, इस तरह से हमने इसका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाने हैं, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया आपका, और एक ये हो गया, एक इस तरफ बना लेंगे हम इस तरह से, ठीक है, ये तो 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए, ठीक है। ऐसे ही दूसरा कार्बन हमने लिया, ठीक है, उसके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना देंगे, और यहां पर हमें क्या करना है, इस तरह से ये ओवरलैपिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है, 1 ये हो गया, इसको एक ये हो गया आपका, ठीक है, एक यहां से, इसको थोड़ा छोटा बनाना है, एक ये हो गया आपका और एक इस तरह से ये हो गया, ठीक है, ये डॉट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्बन को, और ये इनके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो गए, तो दिख रहे हैं आपको टेट्राहेड्रल बन गए दोनों, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्या क्या है, स्फेरिकल इन शेप है, तो 3 हाइड्रोजन यहां पर इसके और 3 हाइड्रोजन इसके, ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, और एक कोवलेंट बॉन्ड जो है किसके बीच में बन रहा है, कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे हमेशा उसका नाम आप उसके नीचे लिखेंगे, यही इसका रूल होता है, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इथेन, इथेन का फॉर्मूला होता है C2H4, ईन लगाए ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, CH2 CH2, यहां कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बना रहे हैं बॉन्ड, और एक कार्बन जो है कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, जिसमें एक बॉन्ड सिग्मा है, एक बॉन्ड पाई है, ठीक है। जब भी बॉन्ड होता है, डबल होता है या ट्रिपल होता है, तो वहां पे एक ही बॉन्ड सिग्मा होता है और बाकी जो है वो पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, आगे हम देख लेंगे इसको। अब देखो कार्बन 2 कार्बन है, तो वही हम इनकी एक्साइटेड स्टेट बना लेते हैं फिर से, इस तरह से रहेगी, ये कार्बन 1 मान लिया, ये हमने कार्बन 2 मान लिया, ठीक है, इस तरह से इनकी ये एक्साइटेड स्टेट होगी। अब एक कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और एक कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो ये कार्बन कार्बन के बॉन्ड में हमने सिग्मा बॉन्ड बना दिया, ये इसके हाइड्रोजन के साथ, ये दो दूसरे हाइड्रोजन के साथ, इस तरह से ये दोनों हाइड्रोजन के साथ, और एक सिग्मा और एक सिग्मा कार्बन और कार्बन जो है क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड हो गया। अब देखिए यहां पे आपको पता है कि पाई बॉन्ड जो है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखते हैं तो
एक तो एस का है और पी के कितने हैं, दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। पाई ऑर्बिटल इज नॉट इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहेगी इसकी। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या ज्योमेट्री रहेगी बताओ भी, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर में क्या होता है, 120 डिग्री के एंगल पे होते हैं तीन बॉन्ड इस तरह से। तो यहां ये मान लो हमने कार्बन बोल रहे हैं, तो ये होगी इसकी ट्राइगोनल, दूसरा कार्बन है इसकी ट्राइगोनल प्लेनर, ये दो हाइड्रोजन है इसके, ये दो हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या बनाना है हमने, पाई बॉन्ड बनाना है, वन सिग्मा एंड वन पाई। तो दिस इज लाइन स्ट्रक्चर। अब हम इसका हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कैसे बनेगा, देखो भाई कार्बन के तीन उसमें एक डॉट लगा दिया हमने, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाने हैं, एक इस डायरेक्शन में बना ली, ये बन गया, ठीक है, और एक ये बन गया, ठीक है। ऐसे ही दूसरे कार्बन के बनाने हमने, एक इस तरह से ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। अब ये किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ है, बॉन्ड बनाए, और ये कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। अब जो लास्ट वाला ऑर्बिटल है पीजेड वाला, वो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड है। अनहाइब्रिडाइज्ड यानी कि उसके लोब क्या रहेंगे, वैसे ही रहेंगे जैसे थे, तो ये दोनों इक्वल लोब बनेंगे इस तरह से, तो वो पीजेड डायरेक्शन में हम दोनों लोब क्या बना देंगे, इक्वल। तो ये हमने बना दिया इसका पीजेड, ठीक है, इस तरह से। अब पाई ऑर्बिटल में जब पाई बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ये दोनों इस तरह से। अब बनाने में तो यहां से दूर दूर दिख रहे हैं, लेकिन इतने दूर दूर तो होते नहीं है ना, बिल्कुल पास पास होते हैं, तो ये क्या कर लेते हैं, आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। साइड वाइज का मतलब जैसे कि ये एक पी ऑर्बिटल है और एक ये है, और ये क्या है, पास पास में है इस तरह से, तो ये आपस में क्या है, ओवरलैपिंग करेंगे, तो ऊपर वाले लोब भी और नीचे वाले लोब भी ओवरलैप करते हैं, तब एक बॉन्ड बनता है। तो यहां पर एक बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड, ठीक है, ये नहीं कि यहां दो पाई बॉन्ड बन गए, दोनों लोब ओवरलैप करने चाहिए, ठीक है तो एक ही ऑर्बिटल ये यहां पर, ठीक है, तो ये बन गया एक पाई बॉन्ड, क्लियर। एक ये बन गया सिग्मा बॉन्ड और ये इसके हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, तो ये बन गया हमारा इथीन का स्ट्रक्चर, क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने क्या है, कोई भी चीज है हाइब्रिडाइजेशन अगर क्लियर है आपको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, तो आप कोई किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन की है, ठीक है। नाउ इथाइन सी ट्रिपल बॉन्ड सी और वन वन हाइड्रोजन, ठीक है, सी टू एच टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां पर थ्री बॉन्ड है तो वही बात है, एक क्या होगा सिग्मा और दो क्या होंगे पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है, वही फिर से हम बना लेंगे। अब आपको बनाना आ गया होगा, खुद ही आप बना लो इतने साथ के साथ इस तरह से। ये कार्बन वन मान लिया, ये कार्बन टू मान लिया, इनकी वही हमने कॉन्फिगरेशन लिख देनी है। फिर हमने क्या करना है, एक कार्बन जो है उसके बीच में सिग्मा बॉन्ड है तो ये बना दिया हमने, एक हाइड्रोजन के साथ बना दिया, और ये जो है हमने क्या बनाने हैं, पाई बॉन्ड बनाने हैं कार्बन और कार्बन के बीच में, ये पाई बॉन्ड ये पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो इसी तरह से आपको उसको क्लियर करना है, ठीक है, सारी चीजें। अब हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होते, तो हाइब्रिडाइजेशन यहां से यहां तक ही रहेगी, तो एक एस का और एक पी का, तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ज्योमेट्री क्या होती है भाई, प्लेनर, यानी इस तरह से ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके साथ ये हाइड्रोजन हो गया और यहां पर ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, और ये दो पाई बॉन्ड हो गए, तो ये हो गया 180 डिग्री का एंगल आता है इसके बीच में और प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसका हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, देखो कार्बन को डॉट से लगा दिया हमने, इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब लीनियर स्ट्रक्चर है इस तरह से इसका,
तो एक ऑर्बिटल तो ये हो गया हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, एक हाइब्रिडाइजेस ये ऑर्बिटल हो गया, तो हो गया ना लीनियर 180 डिग्री पे। इसी तरह दूसरे कार्बन के बना देंगे, ज्यादा उस तरफ बन गया, चलो एक बार इस तरफ कर देती हूँ मैं, नहीं तो हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं बनेगा। ये हो गया एक कार्बन का, इसी तरह से दूसरे कार्बन का, क्लियर 180 180। अब दो क्या है अनहाइब्रिडाइज है, कौन सा पी वाई और पी जेड वाला, तो पी वाई का बना देते हैं हम इस तरह से, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना दिए ये हमने पी जेड वाले जेड डायरेक्शन में, ऐसे ही वाई डायरेक्शन में पी वाई बना दिया हमने इस तरह से, ये पी वाई बना दिया, क्लियर हो रहा है। ये तो हमारी होगी हाइब्रिडाइज, ठीक है, उसके बाद पी वाई और पी जेड को अनहाइब्रिडाइज बनाना है, तो ये हो गया पी जेड वाला ऑर्बिटल हमारा, ये पी वाई वाला, इसमें भी पी जेड वाला और पी वाई वाला, ठीक है। अब ये तो क्या है हाइड्रोजन के साथ क्या है हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक के साथ ओवरलैप करेंगे, ठीक है, तो यहां पर बन गया इनके बीच में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड, और ये कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, क्लियर हो गया। अब पाई बॉन्ड बनाना है, देखो यहां पर क्या होगा, जैसे कि ये जेड जेड डायरेक्शन वाले हैं वही है पास पास में है, तो साइड वाइज इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो पी जेड वाले हम ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया पी जेड वाले, हम जो है ऊपर वाला और नीचे वाले दोनों लोग ओवरलैप करेंगे तब एक सिग्मा सॉरी पाई बॉन्ड बनेगा, तो ये एक पाई बॉन्ड बन गया है, क्लियर हो गया साइड वाइज ओवरलैपिंग से इस तरह से, ठीक है। अब पी वाई पी वाले वाले जो है वो इस तरह से है, ये भी क्या कर लेंगे आपस में ओवरलैपिंग कर लेंगे, ओवरलैप हो जाएंगे पी वाई वाले इस तरह से, तो इस तरह से एक पाई बॉन्ड ये बन गया, तो दो पाई बॉन्ड बन गए, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया है यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में और दो हाइड्रोजन के साथ, तो ये हो गया इथाइन, एसिटाइलिन भी बोलते हैं इसको, इथाइन कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, क्लियर। तो इस तरह से मीथेन इथेन इथीन और इथाइन के हमने स्ट्रक्चर कर लिए हैं, ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या करना है इनको समझना है, ठीक है। मेन आपको पहले लिखना है उसकी कॉन्फिगरेशन पता होनी चाहिए, फिर आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, कौन सा बॉन्ड क्या कौन सा एलिमेंट कौन सा बॉन्ड बना रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी हाइब्रिडाइजेशन सेट करेंगे, फिर उसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, बहुत ही ईजी है। तो अब हम कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, इनको आप क्लियर करोगे तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे से उसका बेस बनेगा, ठीक है, इन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके, ठीक है। आपके अभी तो 2 यूनिट्स ही हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो वहां पर आपका एक पार्ट जो है बुक का वो पूरा ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो अगर आपको ये बेसिक ही नहीं आता होगा तो आप वो नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहां पर आपको क्या करना है इसको अच्छे से समझ लेना, अच्छे से कर लेना, ठीक है। और ये जो है मेन बेस बनाते हैं ना हम, इसीलिए इसका नाम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रखा है, ठीक है। तो आप अच्छे से मतलब इसको समझने की कोशिश करेंगे, बार बार में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ऐसे क्यों हुए ना, बच्चों को मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है कि बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ नहीं आती है, कहते हैं मैडम हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती, तो उसका क्या रीजन है, क्योंकि उनको बेसिक नहीं आता होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो बेसिक अगर आपको आ गया ना फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही इजी लगेगी और इंटरेस्टिंग भी लगेगी, ठीक है। तो आई होप कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसी के साथ आज का हम ओवर करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप ऐसे ही हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, जय हिंद।